इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो कि ज़ीरो पॉइंट से रबात की तरफ जाती है, टी चौक की तरफ जाती है। अभी हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं PWD से आगे का जो पैच है टी चौक की तरफ, वो तकरीबन 70-80% तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप देख लें कितनी स्मूथ ड्राइव है। इससे पहले आज से एक साल पहले आपको वीडियो में दिखाया था कि इसके ऊपर काम जो है वो जारी है, जिसके बाद जो एक्सप्रेसवे के ऊपर के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं या रबात टी चौक के करीब के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। अगर हम फ़ायदा उठाने वाली सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो सर फहरिस्त जो हाउसिंग सोसाइटी है जिसको इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का जो फ़ायदा होगा वो सैफ्रन सिटी है। उसकी वजह यह है कि सैफ्रन सिटी मेन GT रोड के ऊपर एग्जिस्ट करती है, और जैसे ही आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से GT रोड पर जाते हैं तो सबसे पहला जो मेन GT रोड का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो सैफ्रन सिटी है। तो सैफ्रन सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ये बहुत बेहतरीन मौका है कि आप फ़ौरन से पहले इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लें। जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल होंगी तब तक इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे प्रॉपर फंक्शनल हो चुकी होगी और आपका 25 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो 60 से 70 लाख रुपए मालियत का वो प्लॉट हो चुका होगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि फलां सोसाइटी जो है वो इस्लामाबाद शहर से बहुत दूर है, रावलपिंडी से बहुत दूर है, लेकिन वो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के महल्ले वकू से या इसका जो फैलाव है वो उससे वाकफ़ नहीं होते। कि आप ये देख लें कि 8 से 10 साल पहले इस्लामाबाद कहाँ लोकेटेड था और आज 2023 में कहाँ लोकेटेड है, उससे आप लोग अंदाज़ा लगाया करें कि 2025 या 2028 में इस्लामाबाद कहाँ लोकेटेड होगा। तो ये एक टाइम के डिसीजन होते हैं। आज के टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले वक्त में आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया।